क्वेश्चन नंबर थ्री, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड दैट 6 एनी नेचुरल नंबर कैन एंड विद 0 और नॉट। ओके बच्चों, 6 नेचुरल नंबर, 6 एनी नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स वी हैव। नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। बच्चों क्या है, तिबी आदाद। 6 एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, तिबी आदाद है। कौन सा भी तिबी आदाद पावर के जैसा इस्तेमाल करें तो 6 के ऊपर पावर इस्तेमाल करें, कौन सा भी तिबी आदाद हो। ओके, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, क्या है, 0 से एंड होता क्या, यूनिट के प्लेस में 0 से एंड होता क्या बोल के बताना चाहिए हमको। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 6 एक नेचुरल नंबर लीजिए, पावर 1। 6 कितना है, 6 6 होगा। और क्या है, 6 नेचुरल नंबर 2 लिखिए, 6 इज इक्वल कितना होगा, 36 होगा। यूनिट के प्लेस में 6 है, यहां भी 6 है। यहां पे देखिए 6 क्यूब स्टूडेंट्स, 6 इज इक्वल टू 216। क्या यहां पे 0 हुआ है यूनिट्स के प्लेस में, इज देर एनी 0 इन यूनिट्स प्लेस, नो। ऑल द पावर्स, 6 एनी नेचुरल नंबर डज नॉट एंड विथ 0। ओके, लेट्स चेक 6 4। 6 इज इक्वल टू 1296। ओके, ऑल द यूनिट्स प्लेस आर एंडिंग विथ 6। ओके, वी कैन इजीली से दैट 6 एनी नेचुरल नंबर, 6 एनी नेचुरल नंबर, 6 एनी नेचुरल नंबर डज नॉट एंड विथ 0, डज नॉट एंड विथ 0। आई विल राइट इन अनदर वे, यू नो द कंडीशनल क्लास 2, इफ क्लास, इफ आई एवर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई एवर सीएम आई वुड रीओपन स्कूल्स राइट नाउ। ओके, आई विल राइट 6 इज इक्वल टू 2 × 3। ओके, वॉट आर द फैक्टर्स वी हैव फॉर 6, 2 × 3। ओके, इफ देर वॉज 5 इंस्टेड ऑफ 3, वॉट विल हैपन हियर, इफ देर वॉज 5 इंस्टेड ऑफ 5, इट विल बिकम 6 विल बिकम 10। ओके, इफ देर वॉज 5 इंस्टेड ऑफ 3, द नंबर वुड बिकम 10, द नंबर वुड बिकम 10 एंड इट वुड एंड विथ 0। नाउ 10 एनी नेचुरल नंबर एंड्स विथ 0। आई विल राइट हियर, देखो यहां पे 10 है, अगर से 10 है, 10 के ऊपर कौन सा भी नेचुरल नंबर इस्तेमाल कीजिए। देखिए 10^1 क्या है, 10 है, नेचुरल नंबर क्या है, यहां पे 0 से खत्म होगा। 10 स्क्वायर क्या है, 100 है, 0 खत्म होगा यूनिट के प्लेस में। 10 क्यूब क्या है, 1000 है, यहां भी क्या है, 0 से खत्म होगा। 10^4 है, क्या होगा, 10,000 है, यहां पे भी क्या है, 0 से खत्म होगा। मतलब क्या है, 6 एनी नेचुरल नंबर डज नॉट एंड विथ 0। ओके स्टूडेंट्स, टू एंड विथ जीरो द फैक्टर थ्री वुड बी 5। ओके, इफ बच्चों यहां पे अगर से फैक्टर 3 के बदले में 5 लगाएंगे तो क्या होता, ये नंबर 10 होगा और क्या है, यूनिट्स के प्लेस में 0 आएगा। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, द नंबर
6 power any power natural number does not end with 0. Okay, let's move towards the second problem. Question number 4. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. Okay, बच्चों हमें बताना चाहिए कि ये क्या है इसका प्रोडक्ट और इसका जमा क्या है और ये नंबर का प्रोडक्ट और क्या है जमा क्या है कॉम्पोजिट नंबर्स कैसे होंगे क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं ये बताना चाहिए व्हाई दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम. आई विल राइट दिस एज 7 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into sorry 1 plus 5. Okay, observe here there is a common number. There is the number is 2 times here. I will take 13 as common. Okay. आई विल टेक 13. बच्चों क्या है 13 को मैं कॉमन लूंगा यहां पे 13. आई विल राइट दिस एज 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1. ओके 13 इंटू 13 ब्रैकेट स्टार्ट 7 इंटू 11 प्लस 1 एंड आई विल टेक 5 एज कॉमन हियर. आई विल टेक 5 एज कॉमन 5 इंटू 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Plus 5. Okay, students. Now I will write this as 13 into 7, 11 ja 77. 77 plus 1. And 5 into the multiplication of these all numbers 1008. 1008. Plus 1008 plus sorry this is I will write 1 5 1 ja 5 5 1 ja 5 1008 plus 1. Okay, this is 1, this is 1. Okay, 5 1 ja 5. Okay students, now I will write here 13 into 78 and 13 into 78 and 5 into 1009. 5 into 1009. I have written this number as 13 into 78 and this number as 5 into 1009. The product of two numbers. Hence, the product of two numbers. The product of two numbers. The product of two numbers is a कॉम्पोजिट नंबर. बच्चों क्या है दो नंबर्स का जरब क्या है कॉम्पोजिट नंबर होगा. कौन से भी नंबर हो देखिए फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक फॉर मोर क्लैरिफिकेशन आई विल टेक स्मॉल एग्जाम्पल्स. ओके 2 इंटू 5 व्हाट आर द नंबर्स हियर 2 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर. आई विल टेक 3 इंटू 6 3 6 जा 18. 3 is a prime number and 6 is a composite number. Okay, the product of two numbers is also a composite number. Okay, I will take one more example. 7 into 10 is equal to 70. Okay, this is also a composite number. बच्चों देखिए दो numbers का जरब क्या है composite number होगा. मतलब composite number का मतलब ये क्या उसकी क्या है दो से जायद उसके फैक्टर्स होंगे मोर देन टू फैक्टर्स. ओके द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू कॉम्पोजिट. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कॉम्पोजिट. ओके वी हैव अंडरस्टूड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कॉम्पोजिट. ओके क्वेश्चन नंबर 5. हाउ विल यू शो दैट 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5 इज ए कॉम्पोजिट नंबर एक्सप्लेन. ओके write this expression again here 17 into 11 into 2 17 into
17 into 11 into 5. Okay, 17 into 11 into 5. Okay, next take 17 into 11 as common. Okay, I will write this expression as 17 into 11 bracket close into 2 plus 5. Okay, the product of 17 into 11 बच्चों क्या है, 17 और 11 का जरब क्या है, 187 होगा. 187 into 2 plus 5 is equal to 7. Okay, you can write this as 187 into 7 is equal to something. Means we have written this expression as the product of two numbers. बच्चों इस expression को हम दो numbers के product की तरह लिखे हैं, दो number के जरब की तरह लिखे हैं. तो हमें मालूम है कि दो numbers का हासिल जरब क्या है, composite number होगा. क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा. ओके, दो नंबर्स का हासिल जरा कॉम्पोजिट नंबर होगा. नाउ वी कैन राइट दिस एज द गिवन एक्सप्रेशन इज, द गिवन एक्सप्रेशन, द गिवन एक्सप्रेशन इज रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, ए product of two integers, a product of two integers, hence it is a composite number, it is a composite number. Okay students, have you understood? The product of two numbers is a composite number. Let's move towards the sixth problem. Question number 6, what is the last digit of 6 power 100? Okay students, we already know that, we know that 6 power any natural number, 6 power any natural number ends with 6 in units place, okay, we know that 6 power any natural number ends with 6 in units place. Okay, for example, 6 power 1 is equal to 6, 6 square is equal to 36, here also we have got 6 in units place, 6 cube is equal to 216, here also we have got 6 in units place, 6 power 4 also 1296, okay, 6 in units place, and 6 power 5 also 7776, 6 in units place. Means we know that any natural number to the power of 6 is equal to 6. We can write this as we see that 6 power any natural number, 6 power any natural number for any positive integer, any positive integer n ends in 6, that is unit digit always 6. Okay, therefore unit digit of 6 power 100 is 6. Okay students, this is the end of the video. We will meet in the next video. Okay, till then, practice and take care of you and your family. Bye bye.